हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में टमाटर के फ़ायदों के बारे में बताने वाली हूं। इससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, टमाटर के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। टमाटर अक्सर एक सब्जी माना जाता है, हालांकि वास्तव में यह एक फल है। टमाटर नरम और गुलाबी रंग के होते हैं। इसमें कई बीज होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है, चाहे आप इसे फल कहें या फिर सब्जी। लेकिन हम सब जानते हैं कि टमाटर पोषण का एक पावर हाउस है। आप इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करके इसके अत्यधिक स्वास्थ्य लाभों का आनंद उठा सकते हैं। टमाटर पाचन में सुधार, रक्त परिसंचरण को बढ़ाने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम, गुर्दे की रक्षा, समय से पहले उम्र बढ़ने को रोकने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह मधुमेह, त्वचा की समस्या और मूत्रपथ के संक्रमणों से भी राहत प्रदान करते हैं। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कैंसर के विभिन्न रूपों को पैदा होने से रोकते हैं। यह विटामिन और खनिजों का भी एक अच्छा स्रोत है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से भी बचाते हैं। टमाटर में अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होते हैं। इसके अलावा इसमें फॉलेट और पोटेशियम, नियासिन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और तांबा सम्मिलित हैं और ये सभी ही अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। टमाटर के पौष्टिक गुणों की सबसे अच्छी बात यह है कि सोडियम संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी में स्वाभाविक रूप से कम है। टमाटर खाने का सही तरीका। टमाटर हर घर में सब्जी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सब्जी में एक अच्छा स्वाद जोड़ता है। टमाटर का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। यह जूस त्वचा को निखारने में मदद करता है। टमाटर का सूप भी अधिकतर लोगों को पसंद होता है। टमाटर की सॉस भी बाजार में आसानी से उपलब्ध होती है और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। टमाटर का इस्तेमाल सलाद के रूप में भी किया जाता है। टमाटर खाने का समय। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय टमाटर खाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह शरीर के चयापचय को बनाए रखता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। टमाटर को रात के समय खाने से यह आपको लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। टमाटर की तासीर ठंडी होती है, यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसे नियमित मात्रा में ही खाएं, क्योंकि टमाटर का अधिक सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि टमाटर के क्या क्या फायदे हैं। टमाटर में मौजूद लाइकोपीन जैसे कुछ फेलोनोइड एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं। टमाटर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। टमाटर के बीज में फाइबर अधिक मात्रा में होता है और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाना जाता है। टमाटर को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले आहार के रूप में भी माना गया है। यह खाकर पुरुषों को सामान्य सर्दी, जुखाम और इन्फ्लुएंजा से बचाने में मदद करता है। टमाटर में लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं। टमाटर में क्यूमरिक एसिड और क्लोरोजेनिक एसिड शरीर को सिगरेट के धुएं के प्रभाव से बचाने में मदद करते हैं। टमाटर का सेवन हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। यह दस्त और कब्ज दोनों से ही हमारे पाचन तंत्र की रक्षा करते हैं। टमाटर के फायदे स्किन के लिए। टमाटर का नियमित सेवन आपकी त्वचा के निखारने में चार चांद लगा देता है। टमाटर में लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों की क्षति से बचाता है। यह त्वचा को यूवी प्रकाश क्षति से बचाता है, जो चेहरे पर रेखाएं और झुर्रियों के मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा चेहरे पर बड़े रोम छिद्रों को कम करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह मुहासों और त्वचा पर चकते या मामूली जलने के निशान के इलाज में भी मदद कर सकता है। त्वचा पर टमाटर के गूदे को रगड़ने से
त्वचा पर चमक आती है। टमाटर में विटामिन के और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण यह आपकी हड्डियों के लिए एक अच्छा आहार है। दोनों ही तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए लाभदायक हैं। इसमें निहित लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी हड्डियों को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डी के फ्रैक्चर, विकलांगता और विकृति का कारण बन सकती है। टमाटर के जूस के फायदे लाएं नेत्र दृष्टि में सुधार। टमाटर में विटामिन सी और विटामिन ए की अधिक मात्रा आपकी दृष्टि में सुधार करने में मदद कर सकते हैं और आप रात के अंधेपन को रोक सकते हैं। हाल में हुए एक शोध से पता चला है कि टमाटर में विटामिन ए मैक्युलर डिजेनरेशन, चकतेदार अंधपतन के जोखिम को कम करने में मदद करता है। चकतेदार अंधपतन एक गंभीर और अपवर्तनीय नेत्र विकार है। टमाटर मोतियाबिंद के विकास के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट जैक्सेथिलिन, ल्यूटिन और लाइकोपीन होते हैं, जो आँखों की रोशनी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचने से बचाते हैं। टमाटर का उपयोग लगाए बालों की समस्याओं पर रोक। टमाटर आपके बालों को स्वस्थ, घना व बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। टमाटर में विटामिन और आयरन मौजूद होते हैं, जो बालों को मजबूत करने के साथ साथ बेजान, क्षतिग्रस्त और निर्जीव बालों को भी एक नया जीवन प्रदान करके उनमें एक नई चमक ले आते हैं। इसके अलावा टमाटर में उपस्थित अम्ल आपके बालों के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, जो बदलने में बालों के रूख रंजक को दूर करके आपके बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप खुजली और रूसी से परेशान हैं तो अपने बालों पर शैम्पू करने के बाद टमाटर का रस लगाएं, इसे 4 से 5 मिनट तक छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। नियमित रूप से आप अपने बालों पर टमाटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि टमाटर की अम्लीयता आपके बालों को रूखा व बेजान बना सकती है। टमाटर खाने के फायदे हैं रक्त शर्करा स्तर को कम करने के लिए। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए टमाटर मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा आहार है। इसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो मूल ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। टमाटर क्रोमियम का भी एक अच्छा स्रोत है, जो रक्त में शर्करा के स्तर के साथ साथ फाइबर को नियंत्रित करने में मदद करता है। शोधों के अनुसार फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को अधिक होने से रोकने में मदद करता है। कई अध्ययनों से पता चला है कि टमाटर में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट मधुमेह से प्रभावित होने वाले किडनी और रक्त प्रवाह को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा टमाटर जैसा कम कैलोरी वाला भोजन वजन कम करने की कोशिश कर रहे मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी हो सकता है। टमाटर के औषधीय गुण करें कैंसर से बचाव। राष्ट्रीय कैंसर संस्था के जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि अधिक टमाटर खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। टमाटर में मौजूद लाइकोपीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट फेफड़े, पेट, ग्रीवा, मुंह, ग्रसनली, गले, अन्न प्रणाली, कोलन, गुदा और डिंबी ग्रंथि के कैंसर जैसे अन्य कैंसर के जोखिम को भी कम कर सकता है। यदि टमाटर को जैतून के तेल के साथ पकाया जाए तो इसके कैंसर विरोधी गुणों के लाभ अत्यधिक हो सकते हैं। टमाटर आपका वजन कम करने में भी मदद कर सकते हैं। टमाटर में बहुत कम फैट पाया जाता है और साथ ही इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें बहुत सारा पानी और फाइबर होता है, इसीलिए यह आपको ज़्यादा कैलोरीज गेन कराए बिना आपके फैट को तेजी से भरने में मदद करता है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने आहार में बहुत से टमाटर शामिल करें। आप इसे एक फल की तरह कच्चा खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, कैसरोल, सैंडविच और अन्य भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। टमाटर खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं?
भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग टमाटर स्वाद के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है, लेकिन इसके उपयोग से कुछ संभावित नुकसान भी होते हैं। जी हाँ, निर्देशों को देखने वाले इस टमाटर के कुछ सामान्य और कुछ गंभीर साइड इफेक्ट भी हैं, जिनकी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो में करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं कि इसे खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। टमाटर में लाइकोपीन नामक एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है। इस फाइटोकेमिकल का अत्यधिक सेवन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की नियमित गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है और इसे धीमा कर सकता है। नतीजन हमारा शरीर कई सामान्य माइक्रोबियल बैक्टीरिया और वायरल बीमारियों से खुद को बचाने की क्षमता खो देता है। इसके अतिरिक्त यह शारीरिक क्षति की मरम्मत के लिए असमर्थ हो जाता है। टमाटर अनेक अम्लों का एक समावेश है, जिसका अत्यधिक सेवन जठरांत विकारों को पैदा कर सकता है। टमाटर की लाइकोपीन सामग्री के परिणाम स्वरूप इरिटेबल ब्राउन सिंड्रोम IBS जैसे कुछ गंभीर आंतों की समस्या हो सकती है। टमाटर के सेवन से किडनी में पथरी के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सकता है। टमाटर के बीज कैल्शियम और ऑक्सोलेट यौगिक में समृद्ध होते हैं। यदि आप पहले से ही गुर्दे की समस्याओं से ग्रस्त हैं तो इसका सेवन ना करें। टमाटर की लंबी अवधि के लिए लगातार खपत आपकी त्वचा का रंग बदल सकती है और आपकी त्वचा पर नारंगी रंग का थोड़ा सा प्रतिबिंब नजर आ सकता है। मुझे यकीन है कि दुष्प्रभावों की कोई भी मात्रा आपको अपने पसंदीदा टमाटर से दूर नहीं रखेगी, लेकिन इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखने की कोशिश करें और अपने टमाटर की खपत को सीमित रखें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।